नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एसवाईएल को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर से बात नहीं मानी है तो क्या हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा? सवाल ये इसलिए उठता कि क्योंकि एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिस बात का डर था वही हुआ, यानी बातचीत से बात नहीं बन पाई। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी है ही नहीं। ऐसे में नहर बनाए जाने का सवाल की नहीं उठता। ऐसे में नहर बना भी दी गई तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी बैठक के बाद बताया कि बैठक में बात नहीं बनी, कोई फैसला नहीं हुआ, हम केंद्र को इस विषय को लेकर जानकारी देंगे। ये रिपोर्ट आप देखें। एसवाईएल का पानी सियासी पानी बन चुका है। दशकों से राजनीति का केंद्र रहने वाला मुद्दा अब सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन एसवाईएल के पानी की उम्मीदों पर फिर एक बार पानी फिर गया। सालों से एसवाईएल को लेकर बयानबाजी होती रही है। हरियाणा की तरफ से दावा रहा कि पानी को लेकर रहेंगे और पंजाब का दावा कि किसी भी कीमत पर एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही पहुंचा हुआ है। हर बार हरियाणा का पक्ष मजबूत रहता है। हरियाणा हर बार जीता, लेकिन सियासत ऐसी कि हरियाणा को अभी तक हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल पाया। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक साथ आए, बैठक हुई, लेकिन हरियाणा की उम्मीदों पर एक बार फिर से उस वक्त पानी फिर गया जब बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बाहर आकर ये बताया कि बैठक में बात नहीं बन पाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि एसवाईएल नहर हरियाणा की संजीवनी है और इसके पानी पर हमारा पूरा हक है। जो विषय मुख्य विषय था वो एसवाईएल का था। एसवाईएल एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, जो कि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है। हमारा यही है कि हम केंद्रीय मंत्री जी को सारा विषय बताएंगे। अब केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये विषय केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री आगे क्या निर्देश देंगे, या तो जनवरी से पहले एक मीटिंग बुलाएंगे और नहीं बुलाना चाहेंगे आपस में बातचीत करने के बाद, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी राय बता देंगे, इस मीटिंग का हवाला देंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की तरफ से अपना पक्ष रखा और साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहर का निर्माण नहीं होगा क्योंकि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। इस मुद्दे पे पंजाब ने क्लीयर कट के असी नहर नहीं बना सकते, डी नोटिफिकेशन हो गई उदी जमीन दी, लोगों नू जमीन भी बहुत सारे नू मिल गई, उत्थे खेती कर रहे ने, वैसे जंगल बन गया, सो साढ़े कोले पानी है नहीं, नहर बनाउण दा फिर सवाल नहीं पैदा होंदा। इन्ना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोले चलीए दोने राज, कि प्रधानमंत्री जी हरियाणे नू पानी दा प्रबंध करके दिओ, जिहड़ा गंगा जां यमुना दा जिहड़ा पानी है वह बिहार नू उधर बंगाल नू डोब भी दिंदा, बंगलादेश तक जांदा, उह चों इधर नू मोड़ लो ते हरियाणा जिहड़ा उहनू भी पानी मिल जूगा, ते साडा जिहड़ा असी तां बहुत मुश्किल नाल कम सार रहे हां अपना, ते कोशिश असी कर रहे हां, असी राजस्थान नू भी पूरा पानी दे रहे हां। यानी बैठक की कोशिशें बेनतीजा रही, लिहाजा हरियाणा की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दशकों से एसवाईएल के पानी के लिए संघर्ष करता आया हरियाणा एक बार फिर से निराश हुआ। एसवाईएल का विवाद सालों पुराना है। यूं तो पानी के बंटवारे का विवाद हरियाणा और पंजाब के बंटवारे से ही चल रहा है, लेकिन बाद में एक समझौते के तहत हरियाणा को एसवाईएल के जरिए पानी देने की बात हुई, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में अब तक इस मुद्दे पर जमकर सियासत तो हो रही है, लेकिन मुद्दे का समाधान नहीं निकल पा रहा। बहरहाल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बार फिर से बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। बैठक में सहमति न बनने से हरियाणा और पंजाब के किसानों को फिर एक बार झटका लगा। पंजाब का दावा है कि रावी और ब्यास नदियों का जलस्तर कम हो गया है, इसलिए फिर से आकलन किए जाने की दरकार है।
वहीं हरियाणा अपना हक लगातार मांग रहा है और अब एक बार फिर से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपना रुख साफ किया। इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। मामले के बारे में केंद्र सरकार को भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बार बार पंजाब हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में ही आया कि आप जानते हैं। बैठक पहले भी होती रही, बैठक एक बार फिर से हुई। दावा हरियाणा की ओर से किया गया कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले, और पंजाब जो दावा बार बार करता आया है, बार बार इनकार करता आया कि वो एक बार फिर से इनकार कर दिया गया। कुल मिलाकर बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई है। ऐसे में हरियाणा के सामने क्या विकल्प है? हरियाणा सरकार क्या करे? क्या हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी नहीं मिलेगा? हरियाणा सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या विकल्प है? इसे लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, जिसमें मेहमान और प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराधा शर्मा आप प्रवक्ता, और योगेश कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। गहलोत जी, बहुत उम्मीद थी इस बैठक से, लेकिन इस बैठक में भी उम्मीदों पर पानी फिर गया कि साफ इनकार कर दिया गया पंजाब के सीएम की ओर से कि पानी है ही नहीं और नहर बनाने का या नहर निर्माण करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए ज्योति जी, ये बहुत ही दुख की बात है हरियाणा के लिए कि जो 1966 से एक विवाद चल रहा था और जिसका 1985 में लोंगोवाल समझौता राजीव के तौर पर एक फैसला हुआ, और हरियाणा को जो 3.5 एमए पानी मिला था वो इतने वर्षों से समझौता होने के बाद भी हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय उच्चतम न्यायालय के भी फैसले आए, और उस फैसले के बाद भी पंजाब अब हरियाणा के हाथों पर कुठाराघात करके बैठा हुआ है। और कैसे भी नहर आटने का काम हुआ, तो कस्सी मार के जो कपूरी में काम हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई, ये होते होते और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो सहमति बनाने की बात की, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए। फिर माननीय पिछले महीने में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री को ये कहा कि आप बैठ के इस बात को सुलझाइए, और उसी के तहत आज ये मीटिंग हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, वहां के जो मुख्यमंत्री है भगवत मान, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है संयोजक है केजरीवाल, वो तो पंजाब में पहले कह चुके हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, और उसी के डायरेक्शन के हिसाब से भगवत मान ने कोई इस वट लगा के और इसमें नहर बनवाने से और पानी देने से इनकार कर दिया। अब जो भी आज बातें हुई है उसको हम केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्रीय सरकार से ये सारा उनको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय में जब तारीख आएगी तो हम सारी ये बातें वहां रखेंगे, और जो भी उच्चतम न्यायालय आदेश करेगा उसी पर आगे कार्रवाई होगी। और एक बात है, हरियाणा को पानी की बहुत जरूरत है। अदालत तो सबसे बड़ी अदालत तो आदेश करती ही आई है ना, आदेश कहाँ माने गए? पंजाब की ओर से नहीं माने गए, हरियाणा को क्या मिला? स्थिति ढाक के तीन पात, पानी तो नहीं मिल पाया। दशकों गुजर गए, सरकारें आई गई, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई और गई, लेकिन दावे ही किए गए पानी कभी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराधा जी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, क्या वाकई हरियाणा को हरियाणा के हक का, जो अधिकार हरियाणा का बनता है, वो पानी नहीं मिलना चाहिए? जनता और पंजाब की जनता दोनों ही इस देश के लोग हैं और सबको पानी मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों राज्यों की सरकार के माध्यम से यदि कोई हल नहीं निकल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र इसमें मध्यस्थता करे, तो केंद्र को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। और यदि अभी मैं सुन रही थी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, सारा मामला कोर्ट के सामने जाएगा तो पंजाब भी तो अपना पक्ष रखेगा ना। पंजाब ऐसा नहीं चाहता कि पानी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। आज जो क्या पंजाब अपना पक्ष रखते रखते थका नहीं है? अभी कितने सालों से तो पक्ष रखते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस रहा उस पर भी फैसला आ चुका है, हर बार फैसला आया है। अब ये नया शगुफा कि हरियाणा को भी मिले, पंजाब को भी मिले,
जो समझौता हुआ क्या उसे पंजाब ने माना, क्या आपकी आम आदमी पार्टी सरकार ने माना? एक ही वाक्य के अंदर ये इनकार कर दिया गया कि क्लियर कट, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया कि क्लियर कट कह दिया गया कि नहीं देंगे पानी, क्योंकि पानी है नहीं। तो फिर क्या फायदा अगली सुनवाई हो, अदालत कुछ कहे, अदालत का फैसला जब पंजाब सरकारों को मानना ही नहीं अब तक की जो भी सरकारें रही। ज्योति जी, आप पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार तो 6 महीने से ही बनी है ना, उससे पहले एनडीए की सरकारें थी और हरियाणा के अंदर भी एनडीए की सरकार थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि यदि दो राज्यों के बार बार बैठने के बावजूद भी कोई समझौता नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो केंद्र को बीच में आना चाहिए। और यदि भगवत मान जी ने अपना पक्ष रखा है तो उसमें क्या गलत है? किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के हितों की बात तो रखनी होगी, उसका फर्ज बनता है, ये उसका उनका कर्तव्य है जो वो कह रहे हैं। आज उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है, मीटिंग में भी उन्होंने बताया है कि अब पंजाब जो स्थितियां 40 साल पहले थी वो स्थितियां आज भौगोलिक स्थितियां बदल चुकी है। आज भूजल स्तर पंजाब के अंदर नीचे जा चुका है, पानी की मात्रा घट चुकी है, तो उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाएं सामने रखी है। आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी को हरियाणा में हक ना मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता केंद्र को निकालना पड़ेगा। और उसका सबसे बढ़िया रास्ता है, जो पानी पाकिस्तान के अंदर अनावश्यक रूप से चला जाता है उस पानी को रोका जाना चाहिए, उस पानी को इकट्ठा करने का, उस पानी को रोकने का प्रबंध केंद्र सरकार को करना चाहिए और वो पानी हरियाणा को देना चाहिए। तो केंद्र बीच में क्यों नहीं आता, केंद्र अच्छा। अपनी भूमिका से क्यों बाहर? यानी आपके आपके सीएम तो मना करेंगे, आपके सीएम तो मना करेंगे, केंद्र को आप लोग ब्लेम करेंगे? नहीं, गेंद पाले में गेंद आप डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने कहा कि एनडीए सरकार ही रही, यूपीए रही, तो वो नहीं है ना। अब तो जनता ने मौका दिया आपको ज्योति जी, और चूंकि हरियाणा में भी आप लोग सियासी दस्तक देने की तैयारी में हैं, हिसार में जब आते हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि मुझे चाय पर पीएम बुलाए, मैं समाधान देता हूँ। तो भगवंत मान उनसे टेलीफोनिकली बात करके या फिर उनसे मिलकर उनसे समाधान पूछकर क्यों नहीं चले गए कि आप समाधान बताइए अरविंद केजरीवाल जी? आम आदमी पार्टी विवाद में नहीं संवाद में विश्वास रखती है, इसलिए संयोजक हमारी पार्टी के जो उन्होंने खुद कहा कि बैठ के बात करिए समाधान निकल जाएगा, तो केंद्र क्यों बच रहा है बीच में मध्यस्थता करने से? तो ये तो बीजेपी से सवाल पूछेंगे, आप तो अपने सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल तो आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूंगी, आप आम आदमी पार्टी के सवालों के जवाब दे दीजिए। चलिए अगली बताएंगे आपके पास बजरंग दास जी। बिल्कुल हर बार ये होता आया कि बैठक भी हुई, अदालत के फैसले भी आए, अदालत के फैसले नहीं माने गए, आज बैठक थी, आज एक बार फिर से ये होप थी, ये उम्मीद थी कि शायद कोई बात बने, लेकिन नहीं बन पाई। ज्योति जी, अदालत का फैसला अभी आया और आप देखिए SYL का जो पानी का मामला है, किसान के लिए जीने मरने का सवाल है। और जहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बात मान ठान रखी है, पानी नहीं देना हरियाणा को, हमारे पास पानी फालतू नहीं है, इनके पास पानी पंजाब में खराब हो रहा है वहां जा रहा है वो तो है, मगर हरियाणा को पानी देने के लिए पानी नहीं है। जबकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। जबकि अरविंद केजरीवाल जब हिसार के अंदर आए थे, पत्रकारों ने सवाल जवाब किया था भी, आप पानी नहीं दे रहे, आप वोट मांगने आ रहे हो, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। उन्होंने एक ही बात कही, प्रधानमंत्री जी मुझे चाय पे बुलाए तो मैं इस समस्या का समाधान बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी आपको चाय पिलाएंगे जब भी आप समस्या का समाधान बताएंगे, इससे पहले आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे। इसका मतलब वो सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। हरियाणा में आके कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा के हित मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगे, मैं हरियाणा के लोगों को रोजगार दूंगा, अच्छे स्कूल दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, फ्री बिजली दूंगा और पानी तक दे नहीं रहे। अरे पानी तो ऐसी बात है, लोग धर्म करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, प्यासे को पानी पियाते हैं, प्यासी धरती को पानी देते हैं, ये लोग कैसी राजनीति करते हैं मुझे यही नहीं समझता। कहते हैं हरियाणा का बेटा हूँ, हिसार का बेटा हूँ, भाई हरियाणा का बेटा पक्का, हिसार का बेटा पक्का, पर हरियाणा की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे पंजाब के पास पानी ज्यादा नहीं है, हम कहां से दे दें,
अरे यार कैसी बात, एक तरफ कहते हैं मेरे पास समाधान है, हम समाधान कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानते। मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से अदालत से अपील है, इस मामले को सख्ताई से ले और कार्रवाई करते हुए हरियाणा के हिस्से का पानी दिलाने का काम करे। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार के बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, हरियाणा का हिस्से का पानी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री आप हो, अरविंद केजरीवाल से बात करके इससे आप पानी दे रहे, फालतू कौन मांग रहे हैं। और दूसरी बात देखो ज्योति जी, इनकी स्कीम देखिए, साजिश देखिए, किस प्रकार हरियाणा और पंजाब के भाईचारा खराब करने के लिए अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं जी। बिल्कुल देखिए, चाय पिलाने की बात कही गई थी, आज भगवंत मान गए तो भगवंत मान की ओर से तो कह दिया गया पानी है ही नहीं, नहर अगर बनवा भी ली गई तो करेंगे क्या, जमीनें जो पहले अधिग्रहित की गई थी वो किसानों को वापस दे दी गई हैं, कई जगह पर खेती तो कई जगह पर जंगल बन चुके हैं, तो अब नहर निर्माण का फायदा क्या है, सिरे से नकार दिया गया। योगेश जी, अदालत का फैसला होने के बाद भी, हरियाणा सरकार के प्रयास किए जाने के बाद भी, पहले कैप्टन साहब से मुलाकात की गई थी, अब मान साहब से मुलाकात की गई है, अदालत के रास्ते या बातचीत के रास्ते क्या कोई हल नहीं निकलेगा, क्या कभी हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि अदालत के जो आदेश है उनका ये मजाक उड़ाया जा रहा है, और आज से नहीं बहुत दिनों से मजाक उड़ाया जा रहा है। अब मैं इसको एक दूसरे एंगल से लेता हूँ, मैं एक डिबेट में वो भी बैठा था, गर्मियों में दिल्ली में पानी नहीं था बिल्कुल, और दिल्ली ने कह दिया कि हमारे पास पानी नहीं आ रहा है और हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है, तो मैंने यही इसी मंच से बोला था कि मानवता के नाते हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि कम से कम पानी जैसी चीज़, हवा पानी जो है ये तो सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये तो हमें किसी का रोकना नहीं चाहिए, और हमारे पास है तो बांट के हमें खाना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये मानवता की बात है। लेकिन जिस बदतमीजी पे ये आम आदमी के लोग उतारू हो जाते हैं, ये कानून को कुछ समझते ही नहीं है, ये पहली बार नहीं है ऐसा, ये सीएम होते हुए खुद धरने पे बैठ जाते हैं, इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? अब जिस बदतमीजी से प्रधान मुख्यमंत्री पंजाब ने ये कह दिया कि मैं पानी नहीं दे सकता, क्या क्या कानूनन इनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगा के और इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? ये जब तक सख्त नहीं होगी अदालत, और ये बातें फालतू की करते रहेंगे, प्रधानमंत्री कोई उससे कानून से ऊपर है क्या? वो भी तो कानूनी की बात करेंगे ना, कानून कह चुका है ऑलरेडी, और जब कानून कह चुका है तो इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कहने की, हमारे पास है नहीं, आप होते कौन हो ये कहने वाले कि नहीं है, आपको देना पड़ेगा, कानून कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, कहीं और जाएं बात करने के लिए, इसका तरीका। अब मैं फिर इनकी बदतमीजी का जवाब इनके बदतमीज तरीके से ही दिया जा सकता है, और वो ये दिया जा सकता है कि इनको कहा जाए कि अगली बार जब गर्मी आएगी तो आपके दिल्ली को पानी नहीं दिया जाएगा, हालांकि मानवता के खिलाफ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर ये ऐसी बदतमीजी हरियाणा के साथ करते हैं तो सरेआम सारे राजनीतिक दलों को इनके खिलाफ, मतलब हरियाणा के सारे दलों को जितने भी हों सबको मिलके और एक इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और जो धरना किसान यहाँ पे करते हैं, हरियाणा के सारे किसान जाके और सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे कि जी आपने ये आदेश दे दिया, आप इसे लागू कराइए, बिल्कुल, वरना तो ये बदतमीजी कोई भी कर देगा। बार की गर्मियों की कहानी है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जबकि हरियाणा पानी देता भी, हरियाणा पानी दे रहा था फिर भी इन्होंने कह दिया, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, आम आदमी की केजरीवाल जी का एक स्टाइल है राजनीति करने का, उनका एक ही तरीका है कि जो भी जिम्मेवारी उनकी है दूसरे पे ठीकरा फोड़ दो। अभी जैसे कहा गया कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ाई कर लो, पाकिस्तान पंजाब हरियाणा के लोगों की लड़ाई करा दो, राजनीति अपने। एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहूंगी, पंजाब चुनाव से पहले आपको याद होगा अमृतसर में पीएम की रैली, और रैली के दौरान ये कहा गया कि जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है उसे रोका जाएगा, उसे पंजाब के किसानों को पानी मिलेगा, हरियाणा के किसानों को पानी मिलेगा। अब जो भगवंत मान की ओर से कहा गया कि जो पानी बांग्लादेश जा रहा है या फिर बिहार में जहां बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है वो हरियाणा और पंजाब को दे दिया जाए, तो जो पीएम की ओर से कहा गया था क्या वो केवल एक चुनावी बात थी? कौशिक जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सलाह देने के लिए इनको आदेश नहीं दिए गए हैं जी, पहले आप पानी दीजिए उसके बाद सलाह दीजिए, आदेश है आपको कि आपको हरियाणा को पानी देना पड़ेगा, सलाह देनी है उसके बाद दीजिए आप। अच्छा एक दूसरी और बात बताता हूं मैं,
अब ये इतनी मूर्खाना बात करते हैं, मैं तो केजरीवाल जी पे हैरान होता हूँ। इंजीनियर है वो और IIT से हैं, कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं है कि मैं नकली डिग्री लेके मोदी जी की तरह आ गए और नकली डिग्री दिखा दी हो किसी को। IIT के इंजीनियर हैं, उनको अच्छे तरीके से ये पता है कि पानी का बहाव जो होता है वो हाइट से लोअर साइड की तरफ जाता है, वो लोअर साइड की तरफ उधर गंगा की तरफ जा रहा है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो पानी ऊपर कैसे ले जाएंगे, वापस हरियाणा की तरफ कैसे लेके आएंगे। ये बेवकूफाना बातें जब करते हैं सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। और मोदी जी का भी यही स्टाइल है, मोदी जी ने जैसे कह दिया पानी तो पाकिस्तान की तरफ जो जा रहा है उसको वापस ले आएंगे, वो एक चुनावी जुमले होते हैं, वो मान भी लेते हैं चुनाव के बाद, वो कह देते हैं। आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं, आप कैमरे की तरफ देखकर ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, इनका 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 अपना स्टाइल है, उस स्टाइल के अंदर वो भी कह गए, वो भी कह गए कि जी ऐसा है पाकिस्तान जो पानी जा रहा है वो हम ले आएंगे और दे देंगे। अब दो फिर पानी, अब इन्होंने उनको मुद्दा दे दिया आम आदमी पार्टी को कि जी अब ला के दो पानी। जी गहलोत जी, कोई भी सरकार यहाँ रही हो या कोई भी सरकार पंजाब में रही हो, उनका दावा कि पानी नहीं देंगे और हरियाणा से दावा कि पानी लेकर रहेंगे, पानी लेकर रहेंगे। ज्योति जी मैं भी बैठा हूँ। ओंकार जी रुकिए रुकिए रुकिए, ओंकार जी हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार जी, ज्योति जी मैं भी बैठा हूँ। ओंकार जी आप ही बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा आप बैठे हैं तो आप बताएं सर, आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आज जो कम से कम देखिए कोशिश की गई थी हरियाणा सरकार की ओर से कि बैठक हो, वो पहले कैप्टन साहब के साथ भी प्रयास किया गया, अब मान साहब के साथ भी बैठक की गई, तो पंजाब का ये अड़ियल रवैया कि पानी तो है ही नहीं, नहर निर्माण तो होगा ही नहीं किसी भी सूरत में, इनेलो क्या कहेगी इसे लेकर? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम राजनीति छोड़कर, मेरे भाई अभी बोल रहे थे मानवता की बात, जब तक हम मानवता की बात पर नहीं आएंगे तब तक किस मुद्दे का हल होने वाला नहीं है। देखिए हमारी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, हमने सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने नहर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दिया था उस वक्त में, और केस भी कोर्ट में हमारी पार्टी लेके गई थी। लेकिन अफसोस की बात है, अभी मैं आप पार्टी की प्रवक्ता बहन अनुराधा को सुन रहा था, इन्होंने 3 पॉइंट बताए। इन्होंने कहा हम पानी तो देना चाहते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है पानी, एक बात तो मानी इन्होंने, चाहे जबरदस्ती मानी मानी। तो दूसरा इन्होंने कहा कि पानी की मात्रा कम होगी है, तो इसके बारे में तो देखो हमारा 40% शेयर है, अगर मान लो 10 लीटर है तो 4 लीटर हमारा है, अगर मान लो 6 लीटर रह गया तो 40% लगा लो उसका, हमारा उसी हिसाब से 40% बन जाएगा। अगर पानी का स्तर कम हो गया तो जितना स्तर हमारा बनता है, क्योंकि जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त सारी चीजों का बंटवारा संभव नहीं था, और पानी और कैपिटल ये ऐसी चीजें नहीं है, जैसे चंडीगढ़ हमारी राजधानी है आज वो भी सांझी है, ये चीजें ऐसी नहीं है जो एक दिन में हल हो जाती, उस टाइम इसका हल छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि राणा ने अपना हक छोड़ दिया। दूसरी बात अनुराधा जी बोल रही थी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए, पहली बात तो मैं इनसे पूछूंगा ऐसा कौन सा गेट वाल है इनके पास जो पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। नंबर दो, अंतरराष्ट्रीय संधियां भी होती है पानी की, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है, उसके अनुसार अगर पानी आपका पाकिस्तान का एक लेवल से कम करके बंद कर दोगे तो वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाएगा, ये भी तो देखना पड़ेगा हमारे को। हमारे को पंजाब के हिस्से का जो पानी है इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार उसका 40% हिस्सा चाहिए, अगर उसके पास 100 लीटर पानी है तो 40 लीटर हमारे को चाहिए। और दूसरी, अब मैं आना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस की बात, 10 साल हरियाणा में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही 2005 से लेकर 14 तक, इस दौरान पंजाब में भी इनकी सरकार रही, तब इनको नहीं नजर आया। सुरजेवाला जी गए पंजाब में चुनाव के उसके लिए प्रचार के लिए, और सुरजेवाला जी बोलते हैं पंजाब की एक बूंद का पानी हरियाणा को नहीं देंगे, ये सुरजेवाला जी बोल रहे हैं, मेरे भाई बताएंगे बजरंग दास गर्ग। फिर बीजेपी की सरकार 2014 में आ गई, केंद्र में भी इनकी सरकार, पंजाब में भी इनके अलायंस में सरकार, तब इन्होंने हल क्यों नहीं निकाला? जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नवंबर 2017 में आ गया था, और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी से समय लेने के लिए खट्टर साहब को कितनी बार बोला, खट्टर साहब ने प्रधानमंत्री जी से समय नहीं लिया। जब तक हम राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, उसको हरियाणा के हक का पानी देना है, लेकिन इसमें टाल मटोल नहीं चल सकेगी,
कि पानी का स्तर कम हो गया है, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पहले तो ऐसा कोई वाल बना लो कि वाल बंद करते ही टूटी बंद हो जाए, नहीं संभव। मोदी जी भी अमृतसर गए रैली में, उन्होंने कहा था पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, कोई सिस्टम तो बताएं। पीएम की ओर से भी कहा गया था पिछले चुनाव से पहले अमृतसर रैली में, वही तो कह रहा हूँ, कोई सिस्टम नहीं, उनका बयान था। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला तो प्रधानमंत्री जी कोई छोटी हस्ती तो नहीं है, वो अगर बोल रहे हैं कोई ना कोई टेक्निकल किसी से सलाह लेके ही बोलेंगे जी। कोई पाइपलाइन है जिसका वाल बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा, अनुराधा तो कुछ नहीं है, अनुराधा जी कुछ बोलना चाह रही हैं, ढकोसले हैं जी। जब तक ये राजनीति से ऊपर उठकर बात नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है, और वो शायद मुमकिन ही नहीं है जितनी राजनीति होती आई है इस वाल को लेकर। कम से कम बोलिए अनुराधा जी। नहीं होगा, देखिए जितनी मेहनत हमने करी, ज्योति जी सुनिए, जितनी मेहनत इनेलो ने करी, 1 करोड़ रुपए चौधरी देवीलाल जी ने उस टाइम दिया था, अदालत में हमने पूरी लड़ाई लड़ी, आज अगर हमारी सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, आप दोनों के मुख्यमंत्री को बिठा के फैसला कराओ। अच्छा, लोंगोवाल नहीं होता, लोंगोवाल समझौते को लेकर क्या स्टैंड था आप लोगों का? बीएसएफ लगाओ, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, लोंगोवाल समझौते को लेकर क्या स्टैंड था आप लोगों का? देखिए लोंगोवाल समझौते के टाइम में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बारे में क्षेत्रीय दल इनेलो इसके बारे में क्या कह सकती है, हमने तो न्याय बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी विरोध तो आप लोगों ने किया था ना समझौते का। अनुराधा जी कुछ बोलना चाह रही बहुत जल्दी। हमने कोई विरोध नहीं किया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, आप ये देखिए। चलिए अभी सुनिए, आपको मैंने बहुत टाइम दिया बोलने के लिए, अभी आप सुनिए। ज्योति जी आप ये बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री वोट बटोरने के लिए कोई बात कह रहे हैं तो उनसे कोई जवाबदेही नहीं बनती। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब पे जाके कोई बात कह रहे हैं तो उनसे कोई जवाबदेही नहीं बनती। और आप आम आदमी की पार्टी की सरकार 6 महीने से बनी है तो 6 महीने से बनी है तो भी तो है तो सत्ता में, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, जब कैप्टन साहब सीएम थे, बादल साहब सीएम थे, क्या कभी किसी ने अप्रोच किया कि भगवंत मान मीटिंग करें? क्या तब किसी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि क्या स्टैंड है आपका? अब 6 दिन से बनी हो या 6 महीने से बनी हो, सीएम के नाते ही तो मौजूद थे ना बैठक में, पंजाब के सीएम के नाते ही तो कहा ना, अब 6 महीने से बनी है, क्या 6 महीने बाद भी कोई स्टैंड नहीं बदलने वाला? मैडम अगर ये लोग इन लोगों ने नहीं किया ठीक है, बट ये लोग सत्ता में नहीं है अभी, पंजाब में सत्ता में आप लोग हैं, अब ये कहकर कि दशकों से नहीं हो पाया तो 6 महीने भी नहीं होगा, आपकी पार्टी का स्टैंड तो आप क्लियर करेंगे ना? भगवंत मान की ओर से मना कर दिया गया है, पंजाब के सीएम है वो, यदि आप मुझे बात नहीं रखने देना चाहती तो ठीक है। आपने पिछले जवाब में भी ये कहा कि 6 महीने से सरकार बनी, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? सरकार में आप हैं तो किससे पूछे फिर? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप एंकर हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि प्रकाश सिंह बादल और चौटाला साहब की विफलता सारी जल्दी जाएंगे, उसमें इसका समाधान क्यों नहीं निकल लिया था? अभी योगेश भाई कह रहे थे वो बदतमीजी बताए थे केजरीवाल जी की बात को और आम आदमी पार्टी की बात को, तो इसका मतलब बदतमीजी तो आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। यस कर रहे हैं, आई एम एग्री मैडम, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे? और अगर उन्होंने कहा है तो वो आज आगे बढ़ के उसके ऊपर प्रयास क्यों नहीं करते? इसमें आम आदमी पार्टी कौन सी गलत बात कह रही है? और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को या अपने प्रदेश के हितों की बात रखना, उसकी चिंता करना उसका कर्तव्य नहीं है। सबसे बड़ी अदालत फैसला देती है, उसके बाद आप या तो ये कहती है पिछलों ने क्यों नहीं किया हम भी नहीं करेंगे, या आप कहते हैं कि पंजाब के, अरे अदालतें भी तो होती होंगी ना, ये अदालत नहीं होती, अदालत कानून से चलेगा देश, कानून सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, देश सर्वोच्च है, लेकिन मानेंगे नहीं, पक्ष तो दोनों ही सुनेगा ना कानून भी, तो सुनने के बाद ही तो फैसला हुआ है, सुना जा चुका है, राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देकर फैसला आ चुका है, राष्ट्रपति के रेफरेंस पर भी फैसला आ चुका है अक्टूबर 2016 में। मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जो आ रहे उन्होंने मोदी जी से मिलने तक का समय नहीं लिया, तो राजनीति में ये लोग कर रहे हैं, दोनों प्रदेशों को लड़वा के आप अपनी रोटियां नहीं फेंक सकते हो, आपको अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा।
आप देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है केंद्र में, उन्हें बीच में आके रास्ता पूछेंगे, उनसे भी मैं पूछूंगी। मैडम सवाल सत्ता से होता है, सत्ता में आप हैं, एक तरफ भाजपा है, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। अरे तो मैं उनसे भी पूछूंगी ना, उनको भी पैनल पर बुलाएंगे, उनसे भी पूछूंगी, ऐसा नहीं कि आपसे ही सवाल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल तो आप ही बताएंगे ना उनके जवाब, या फिर बीजेपी बताएगी? अब सारे सवाल आप ही पूछ लेंगी तो मैं क्या करूंगी फिर यहाँ पर बैठकर? मुझे पूछने दीजिए आप। सब दलों को बुलाने की बात करते हैं, आप आंसर नहीं कर रही है ना। आपने खुद से तो उत्तर, अपनी पार्टी से जुड़ा उत्तर दिया नहीं आपने। ठीक है, आएंगे आपके पास एक बार फिर से। गहलोत जी, ये देखिए, हम इस बात की तारीफ करते हैं कि सीएम पंजाब के सीएम से मुलाकात करते हैं, वो चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन केंद्र मध्यस्थता क्यों नहीं करता? के ये जो आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये हरियाणा की जनता का भी है कि केंद्र क्यों नहीं बीच में आता, के केंद्र की ओर से कुछ कहा क्यों नहीं जाता? केवल चंडीगढ़ से हरियाणा से बातें क्यों, दिल्ली से बातें क्यों नहीं होती? जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया था, पहले तो मुख्यमंत्रियों को बैठना था, आज जो प्रयास हुआ वो असफल हो गया। इसके बाद केंद्र के साथ भी हम अपनी बात रख देंगे और केंद्र भी मध्यस्थता करेगा। अगर हरियाणा को पानी मिलता है तो हम पिछले सतर्क पर भी जाने से नहीं घबराएंगे, जाते हैं। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो हरियाणा की बात आ रही है, ये आम आदमी की जो प्रवक्ता है ये पंजाब का पक्ष रख रहे हैं। ये मैं ये नहीं समझ रहा कि हरियाणा की प्रवक्ता है या ये पंजाब की प्रवक्ता है, और राजनीति के मसलों पर होती रहती है। भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, बीच में नहीं बोला करते, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, भैया इस पर चुप रहिए, बीच में नहीं बोला था मैं, आप धैर्य से सुना था, आप धैर्य से सुनिए भैया, आरोप लगाना बहुत आसान काम है, सुनना बहुत मुश्किल है। आप सुनिए, देखिए, जब भी कोई बात आती है, सिर्फ पानी की नहीं, कोई चंडीगढ़ की बात आती है, कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात आती है, कोई विधानसभा की बात आती है, तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी वाले विरोध करते हैं, और जितने हरियाणा के प्रवक्ता हैं ये सब पंजाब का पक्ष रखते हैं। ये मुझे नहीं पता कि ये पंजाब से यहाँ छोड़े गए हैं या ये यहीं के रहने वाले हैं। एक तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे ले लो, चाहे दूसरी पार्टी है, राजनीति दूसरे मसलों पे राजनीति आप करिए, राजनीति करने का राजनीतिक पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, लेकिन जहाँ पर पूरे हरियाणा के किसानों की आप भी तो राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अरे भैया सुनने की कोशिश करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी तो राजनीति कर रहे हो, इतना लंबा लेक्चर पिला रहे हो, पानी पे बात करो। अरे भैया मेरी बात सुनिए, आप बीच में ना बोलिए, और मसले बहुत होते हैं राजनीति करने के। जो पानी का मसला है, देखिए पीछे जो किसान आंदोलन हुआ, ये सारी पार्टियां और केजरीवाल ये साथ किसानों की बात करते थे, आज हरियाणा के किसानों पे एक बात आई है कि उनको पानी से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हरियाणा को पानी मिलेगा तो हरियाणा का किसान जो है खुशहाल हो जाएगा, और पानी मिलने से हरियाणा की तरक्की होगी और हम दिल्ली को भी पानी दे सकेंगे। आज सारी पार्टी मिलकर के इस मामले पे हरियाणा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हो और हरियाणा के पानी लेने। ज्योति जी, नवंबर 2017 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, अरे भैया दो हजार 2016 में आ गया था, मैं वहाँ अकाली की सरकार में थे, वापस कर दी गई थी अधिग्रहित जमीन भी, वापस कर दी गई थी। बीजेपी भी देखिए सत्ता में थी, आज बड़े बड़े लेक्चर पेल रहे हैं, उस समय ये कहा थे। अगर कोई बात पीछे रह गई है, राज कोई बात शुरू हो रही है क्या, तो इन्होंने उसमें साथ नहीं है क्या, इन्होंने उसका विरोध करेगी क्या, आगे कोई किसान हित की लड़ाई आएगी, पानी के हित की लड़ाई आएगी, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ नहीं होगी, बिल्कुल साथ है। 2017 में कोई पानी की लड़ाई में सबसे पहले साथ है, तो क्या इन लोग विरोध करेंगे उसका? अरे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम तक नहीं लिया, प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम तक नहीं लिया इन्होंने। भैया इनके पास जवाब नहीं होता है, इनके पास जवाब नहीं होता है इस बात का। ज्योति जी, ये लोक दल वालों की आदत बहुत है दंगा फसाद करने की, बीच में बोलने की, इनको जरा काबू करो, नहीं तो ये फिर से हरियाणा में दिक्कत पैदा कर देंगे। देखिए आज किसान की बात, आज पानी की बात,
इसमें कोई किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सारा साझे का मसला है। ये जो ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी लगी मुझे भी सुनने में, सबको अच्छी लगी होंगी, लेकिन गोल गोल घुमाने से क्या होगा सर, ये तो बताए ना कि दिल्ली बात कब होगी अगर केंद्र से ये एक सीधा सा जवाब आए ना बात का, कि 2000 ये जो ओंकार सिंह जी बीच में बोले आपको अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन बात तो इनकी ठीक है ना कि नवंबर 2016 में फैसला आया, उसके बाद क्या किया गया 2022 में, आज इस टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं 6 साल। बिल्कुल, पिछले महीने माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री को आज वार्ता करने के लिए बोला था, आज वो वार्ता हुई है और इसका हम 2-4 दिन के अंदर ही केंद्र सरकार को सारी 2-4 दिन के अंदर ठीक है, फिर तो डिबेट करेंगे इस टॉपिक पर। मैं एक बात बताता हूँ जी, जल्द ये ना पंजाब जी नोट कर लेना, अभी आ रही हूँ मैं, एक समय था मैं ये मेरे सारे प्रवक्ता जो बैठे हैं सारे सीनियर लोग हैं, शायद मुझसे सीनियर ही होंगे, इनको बिल्कुल याद होगा एक वक्त ऐसा आया था कि बंसीलाल जी की सरकार थी और पंजाब का और हरियाणा का बसेस के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में झगड़ा हो गया था, तो बंसीलाल जी ने एक स्टैंड लिया था क्योंकि हमारा हरियाणा बीच पंजाब में से जाना पड़ता है हमें चंडीगढ़ के लिए, उन्होंने स्टैंड लिया था कि मैं रातों रात रोड बनवा दूंगा, मैं तो चंडीगढ़ जो है सीधा अपने हरियाणा में से घुस सकता हूं, लेकिन पंजाब मेरे से हरियाणा से के बिना दिल्ली नहीं जा सकता, ऐसा ही स्टैंड लेने के लिए कोई मुख्यमंत्री चाहिए मजबूत, और उसके साथ खड़े हों सारे के सारे मजबूत लोग, ये पंजाब क्या सब लोग आपको आपका हक देंगे, और कानून के सामने भी आपको जाके बैठना पड़ेगा, किसानों को पहले जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हो रहे सब कुछ कहते रहे ना वो छोड़ के और एक बार फिर किसानों के साथ खड़े हों और सारे के सारे उनके साथ बैठ के धरना दें, हरियाणा के किसान सारे एक हों, हरियाणा की पूरी जनता एक हो, और फिर कानून के सामने बैठे और फिर मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे, एकजुट होने की तो एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे पर थोप के गुजारा नहीं हो सकता, नहीं होगा। बिल्कुल, बजरंग दास गर्ग जी सभी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और ये विषय ऐसा है जिसमें सभी पार्टियों से सवाल हो सकते हैं, क्योंकि सभी कभी ना कभी सरकारों में रही, कांग्रेस सबसे ज्यादा, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, केंद्र में यूपीए की बात करें, तो 10 साल के दौरान क्या किया गया, हम बीजेपी से तो पूछ लेंगे 2016 से लेकर अब तक क्या किया गया, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक कोई पैरवी मजबूती से भी नहीं की गई, ये बार बार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि 10 साल तक मामला ठंडे बस्ते में रहा, अदालत में तेजी से मामले को लेकर सुनवाई हो उसके लिए भी प्रयास नहीं किए गए। ज्योति जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके सामने 2016 में आया, उससे पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, काफी प्रयास राष्ट्रपति की ओर से सवाल पूछे गए थे, उनके रेफरेंस पर जवाब दिया गया और हरियाणा के पक्ष में एक बार फिर से फैसला रहा, इससे पहले फैसला आ चुका था आप जानते हैं, आप लोग उसके बाद फैसला आने के बाद आप लोग 10 साल सरकार में नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मुद्दा क्या है, यह सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर हरियाणा का हिस्से का पानी लाना चाहिए। तो मैं कौशिक जी की बात का समर्थन करता हूँ, किस प्रकार नहीं मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो आपके सामने ही है, दूसरी बात किस प्रकार ये मोदी जी वहां पंजाब में जाकर कुछ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आके कुछ बोलते हैं, ये केंद्र सरकार की जुम्मेवारी बनती है, केंद्र सरकार को पंजाब सरकार के ऊपर दबाव घेर कर, दबाव लगाकर इनका हरियाणा का हिस्से का पानी दिलाना चाहिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश की जो अनसुनी कर रहे हैं पंजाब सरकार, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हरियाणा का हिस्से का पानी। अभी मैं एक और सवाल आपसे पूछ लूं, पंजाब चुनाव से पहले रणदीप सुरजेवाला मैनिफेस्टो जारी करने के लिए पहुंचे थे, मैनिफेस्टो की पहली लाइन थी पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते, yes. और इस बात की सहमति थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की, और कैथल से शायद उस वक्त विधायक भी होते थे, हरियाणा कांग्रेस के नेता भी हैं, और चूंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे तो क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है, क्या ये कांग्रेस का स्टैंड था उस वक्त, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी होते।
ज्योति जी बिल्कुल बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत नहीं, फैक्चुअल गलत नहीं जाएगा इस टाइटल से। मैं यही पूछना चाहता मैं बताना चाहता हूँ केंद्र के अंदर, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा के अंदर लोक दल की सरकार थी और भाजपा उसके समर्थन से बनी हुई थी और पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार थी और समर्थन से बनी हुई और आपकी पार्टी के स्टैंड की बात कर रही हूँ कि पंजाब में मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तो रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते उस मैनिफेस्टो को जारी कर रहे थे जिसकी पहली लाइन ये थी कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। तो सरकार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, आपकी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए इसको लेकर, आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा ना कंफ्यूज नहीं, ज्योति जी मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी हरियाणा कांग्रेस ने हमेशा ही SYL पानी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमेशा ही। आज मौजूदा सरकार है, 8 साल से सरकार है, लगातार यही कहा है कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग का टाइम लीजिए, विधानसभा के अंदर भी अपने हुड्डा साहब ने अनेकों बार कहा और हजारों बयान दिए, मनोहर लाल जी आप टाइम लीजिए, हम आपके साथ जाएंगे, हम प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट करेंगे हमारा हिस्से का पानी दिलाए। एक बार नहीं अनेकों बार कहा है और अनेकों बार कैप्टन के साथ भी चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने मीटिंग की है, ये तो प्रूफ की बात है। और जहां तक कभी एक बयान दिखाओ हमारे सरकार के अंदर हुड्डा मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, हमेशा ही SBI के जब मामला आया हरियाणा का हक लेने की उन्होंने बात की है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ूंगी चर्चा में, पानी नहीं लेंगे इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ज्यादा नहीं है इसमें तो कोई पलट नहीं है। ये कोई ये केजरीवाल थोड़ी है, पर देखिए ज्योति केजरीवाल जी थोड़ी है, मैं पंजाब में जा कहता है पानी नहीं है मेरे पास, हरियाणा आते हैं मेरे पास भाई इसका सोल्यूशन है। पंजाब कांग्रेस ये कहती है पानी नहीं देंगे, हरियाणा कांग्रेस ये कहती है पानी लेकर आएंगे। मुझे रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते वहाँ मौजूद थे, तो क्या ये दिल्ली से स्टैंड था? आप सवाल नहीं समझ रहे क्या? पंजाब कांग्रेस कहती है एक बूंद पानी नहीं, हरियाणा कांग्रेस कहती है पानी लाकर रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला जब मैनिफेस्टो पुरानी बात है लेकिन जब आप दूसरी पार्टियों पर सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि दशकों का ये मुद्दा है कहां किस पार्टी की क्या भूमिका रही। मुझे मुझे ज्योति जी मुझे सारी बात की जानकारी है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वहाँ जब चुनावी एजेंडा जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के लिए गए हुए थे वहाँ, बिल्कुल भी सुरजेवाला ने ये नहीं कहा कि पंजाब के पास पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। ये तो भी पक्का बनाया उस मुद्दा था, कैसे मुद्दा बनाए इनको घेरे, उस टाइम हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और ये मामला उस प्रकार का जब का है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, हरियाणा कांग्रेस पानी के लिए SYL के लिए जनता के हित के लिए सरकार तो के साथ है, मनोहर लाल के साथ स्पष्ट है। हरियाणा कांग्रेस तो पानी लाना चाहती है, पंजाब कांग्रेस नहीं देना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन सर हरियाणा के तो केजरीवाल भी कहते हैं, लेकिन ओ भूपेंद्र जी कहाँ कहते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि चाय पीएम मोदी मुझे चाय केजरीवाल पंजाब में बताइए सर। ये बात तो अमरिंदर सिंह जी ने भी कही थी कि हम पानी ले लेंगे, झूठे झूठ करना ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी वो पंजाब का पानी रोकते हैं, प्रधानमंत्री जी झूठे झूठी नारे झूठी बातें प्रधानमंत्री मोदी कर सकता है या हरियाणा का मनोहर लाल कर सकता है, कांग्रेस कभी झूठी बात नहीं करती। चलिए बजरंग दास जी हक की लड़ाई लड़ती है। अनुराधा जी आपसे अभी तक जो भी सवाल मैंने पूछे आपको इस बात से आपत्ति थी कि मैं दूसरी पार्टियों से नहीं पूछती, आपने अभी तक की मेरी सभी से ज्योति जी मेरी बारी है, ज्योति जी मेरी बारी है। ओंकार सिंह जी आप कैसे ही डिसाइड कर लेते हैं आपकी बारी है? चलिए मैं भूल गई होंगी, आपने आपने बड़े ध्यान से सुना डिबेट को। अभी एक दर्शक है हमारे फेसबुक पर,
चलिए आप बड़े ध्यान से सुनते हैं डिबेट को, आप खुद ही रिक्वेस्ट है मेरी, चलिए ठीक है आपसे ही सवाल करूंगी मैं, ठीक है। देखिए एक दर्शक है जिन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया है कि एक वक्त वो था जब उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल थे, यहाँ पर चौटाला साहब सीएम थे, वहाँ पारिवारिक रिश्ते जिनसे हैं बादल साहब सीएम थे, तब क्या प्रयास किए गए एसवाल के पानी को लेकर? उस दर्शक आपकी बारी, आप बताइए ना। सुनिए उस दर्शक से, हाँ मैं बता रहा हूँ, उस दर्शक से इतना जरूर पूछिए कि वो कितने समय की बात है। चौधरी देवीलाल जी ने 1 करोड़ रुपए दिया था उस समय में, और दूसरा इनेलो ने ही सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। रिकॉर्ड की बात है, चेक कर लीजिए, 2004 से 2014 तक। जवाब नहीं आपका, वो तो मुख्यमंत्री रहते हुए किया। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, दल का समर्थन करने गए थे तो चला था पंजाब में, और अकालियों ने भी सरेआम कहा था कि हम पानी नहीं देंगे। बारी मेरी, मैं बोलूं? ओंकार सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। गहलाव जी जवाब तो सुन लीजिए, सुनिए। ज्योति जी मेरी बहन अनुराधा ने 2 पॉइंट कहे थे जो मैंने नोट कर रखे हैं। अच्छा। एक तो उन्होंने बोला था मुख्यमंत्री पंजाब है, अगर पंजाब की अच्छी बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा। मैं इस पे अग्री हूँ, क्योंकि पंजाब की जनता ने सवाल उसकी अच्छी तो बात करेगा, लेकिन जो आप सवाल पूछती है, मेरे को तो बात पूरी करने दो। मैडम आप भी नहीं बताते, आप भी उत्तर नहीं देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल दूंगी, आप बोलिए। चलिए ओंकार सिंह जी का समय है, ज्योति जी इन्होंने बोला जी, ज्योति जी इन्होंने बोला कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब के हित को देखेगा, बिल्कुल देखेगा, लेकिन कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेगा। अगर हम दोनों पंजाब और हरियाणा एक थे 1966 में, अगर हम अलग हुए, हमारा जो हिस्सा रह गया, दो भाइयों में बंटवारा होता है, मान लो एक भैंस एक है, भाई दो हैं, तो भैंस को काटा तो नहीं जा सकता, उस वक्त भैंस का मोल डाला जाएगा या कोई और व्यवस्था की जाएगी। उस वक्त पानी का बंटवारा नहीं हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, आप फैसला कीजिए। दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, अनुराधा जी बार बार कहते हैं कि हमें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अरे भाई राजा तो एक दिन का ही बहुत होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इतिहास का, बाबर एक बार युद्ध में तीनों तरफ से सेना के बीच में फंस गया, एक मोहम्मद चिश्ती जो नदी में सिर्फ पानी भरने के लिए आया था, उसने बाबर की जान बचाई थी। उस वक्त जान बचने के बाद बाबर ने पूछा आप जो मांगोगे दूंगा, उसने 2.5 दिन का राज्य मांगा था बाबर से, वो 2.5 दिन का राजा बना था, और उसने सबसे पहले आते ही अपना सिक्का चला दिया था चमड़े का। तो इनको तो 6 महीने हो गए हैं, उसने तो 2.5 दिन में सिक्का चला दिया था, इनको 6 महीने हो गए, 6 महीने में क्या कर रहे हैं ये, क्या 6 महीने में पानी नहीं दे सकते हरियाणा का? और दूसरी बात, बजरंग दास गर्ग जी कहते हैं सुरजेवाला जी ने नहीं कहा, ऑन द रिकॉर्ड है सुरजेवाला जी ने पंजाब में मैनिफेस्टो डिक्लेयर करते हुए कहा था पंजाब का पानी पंजाब के वास्ते, ये ओन द रिकॉर्ड है। आप चेक कर लो, आपको विजुअल्स मैं भेज दूंगी, आपको मैं भेज दूंगी आपको, व्हाट्सएप कर देंगे हम। मैनिफेस्टो जारी किया था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप नहीं मानेंगे वो अलग बात है। मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उन्होंने जुबानी नहीं कहा था, लेकिन मैनिफेस्टो जब जारी करते हैं तो जो लिखा गया है उसमें यकीन करते हैं, उसी के बाद उसको जारी किया जाता है। इनको मैनिफेस्टो भेज दूंगा मैं, बिल्कुल ओंकार सिंह भेज देंगे, मैं भेज दूंगी, याद है बजरंग दास जी को, स्माइल कर रही है सुन के इन्होंने कहा था पंजाब का पानी पंजाब दे ली, इसका मतलब 60% पंजाब का है, 60% उन्हें मिलेगा और 40% हमारा है, 40% हमें मिलेगा जी। अनुराधा जी बिल्कुल ये तो कहा जा सकता है, इसको मैं एग्री हूं, इस पे एग्री हूं मैं, 40% पानी हरियाणा का तो मिलना चाहिए। ये तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये तो कवरअप करना है बात, उन्होंने किया था उस वक्त, किया था बलिंदा जी ने, थोड़ा किया है जी। अनुराधा देखे कि हरियाणा वाले हरियाणा का पानी मांगेंगे, इनसे पूछिए जो सुरजेवाला जी हैं वो पंजाब के हैं या दिल्ली के हैं, वो हरियाणा के नहीं है जिन्होंने इतनी बात कही। अगर आपको याद हो तो अनुराधा जी की बारी है, अब अनुराधा जी की बारी, सुनिए अभी अनुराधा जी, आप मुझे पहले ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल केवल पीएम के पास चाय पीकर ही समाधान देंगे, या फिर हरियाणा के किसान भी अगर पानी मिला चाय पिला दें तो पानी मिल जाएगा, हरियाणा के सीएम अगर उनको चाय पिला दें तो पानी मिल जाएगा?
मैं केवल पीएम की ही चाय पीनी है, उन्हीं के साथ चाय पीनी है। मैं चाय पीने का मतलब है संवाद, चाय पीने तो पिला दे चाय, क्या फर्क पड़ता है। वो चाहते हैं कि इस विषय पे बैठ के प्रधानमंत्री जी बात करें, दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को बिठाएं और इसका रास्ता निकालें। दूसरी बात, आज की बहस सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी नहीं अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुझे लग रहा है एबीसी बोल रहे, कांग्रेस इनलो बीजेपी तीनों एबीसी पार्टी बन के बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया कि पंजाब के अंदर कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है और क्यों ले रही है और क्यों दोगली सरकार में। तो दोगली जाके बात करते हैं। आप सुनिए सुनिए, भगवंत मान ने मना किया ना, भगवंत मान ने मना किया, आप किस किस को ब्लेम करेंगे? भगवंत मान ने मना किया, भगवंत मान ने मना किया, नहर नहीं बनेगी। राधा जी सवाल सरकार से पूछे जाते हैं, सरकार से सवाल किया, नहर नहीं बनेगी, नहर बनी तो फायदा नहीं होगा, जमीनें वापस दे दी गई है। पूरी डिबेट में आप इस पॉइंट पर तो आए नहीं, आप कभी पीएम को कोसती हैं, उनसे तो पूछने के सवाल के मैंने उनसे पूछ लिया, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी के तो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं। मेरी बात आप मुझे कहने देंगी तो मैं अपनी बात कहूंगी ना। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। भगवंत मान जी ने ये कहा है कि हम हरियाणा को पानी देने के लिए मना नहीं कर रहे, हमारी व्यवस्था ये है कि पंजाब में भूजल स्तर नीचे चला गया है और पानी नहीं है हमारे पास देने के लिए, इसलिए केंद्र को बीच में आना चाहिए और पाकिस्तान में तो उसी परसेंटेज में दे दो। सभी ने अलापा, ये रात को सभी ने अलापा, ये तो हट है एक तरह की। योगेश जी अंतिम अंतिम कमेंट आपका, अंतिम कमेंट वो उनका कहना है कि रिव्यू किया जाए, रिव्यू किया जाए कि कितना पानी है, भूजल बहुत नीचे जा चुका है। अगली बार आप एसवाईएल के मुद्दे पर बुलाओ तो था पे किसी को कुछ बात करने के लिए मत देना, कि था पे कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल है पे और क्या करना है उस पे बात करें तो सोल्यूशन होगा। नंबर वन। नंबर टू, बात यहाँ है कि कोर्ट कालेज, हमारी सारी सारी डिबेट डिरेल हो गई है, हमारी डिबेट ये है कि कानून ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ऑर्डर आ गया है पंजाब सरकार के पास, पंजाब सरकार ने मना कर दिया है कि हम पानी नहीं देंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? पंजाब ने अपना फैसला ले लिया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना फैसला लेना है और हरियाणा के लोगों को अपना फैसला लेना है सरकार। और ऊपर से मेरा मानना यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता तो है, उनके पास भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को जाके बहुत सीरियसली से अप्रोच करना चाहिए और इनके ऊपर, मान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगवा के गहलाव जी आखिरी कमेंट आपका बहुत जल्दी। कैसे 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 मना कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को? आप ये बताइए, पंजाब कर्जदार है हरियाणा का, कोई एहसान नहीं है पंजाब का हम पे? अगर वो नहीं देंगे तो हमें लेने के लिए कोई दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। मैं हरियाणा का हूँ लेकिन मैंने फिर भी दिल्ली वालों के लिए मानवता की बात की थी। जब पानी नहीं होता है तो विश्लेषक हूँ मैं, बिल्कुल विश्लेषक की। अगर मेरी बात ऐसा आप राजनीतिक बात करते हैं, मैं आपके हित की या कांग्रेस के हित की या इनेलो के हित की या बीजेपी के हित की बात नहीं, तो लॉजिकल बात है ना कि अदालत का फैसला माना जाए हरियाणा के किसानों को पानी मिले। आप कानून को नहीं मानते, कानून का मजाक उड़ाते हैं और फिर मुझे कह रहे हैं विश्लेषक के तौर पर मैं क्या बोलूं। चलिए आगे आगे बढ़ते हुए, चूंकि समय बहुत कम है, गहलाव जी आखिरी कमेंट आपका। ये दो बातें जो अभी कही गई, एक तो जो अदालत का फैसला के उसे लागू करवाया जाना, क्या ये सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? अंतिम कमेंट देखिए ज्योति जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी सरकार पानी लाने के लिए, अपना हरियाणा का पानी लाने के लिए हर प्रयास करेगी, केंद्र के पास भी जाएगी, केंद्र हस्तक्षेप भी करेगा और उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बनती तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे और हर हालत में हम हरियाणा का पानी लेकर हरियाणा को देंगे। हमारे किसानों को बहुत जरूरत है, आज किसानों को बहुत पानी की जरूरत है, हम हर हालत में हरियाणा को पानी ला के देंगे। हम वचनबद्ध हैं हरियाणा की जनता के प्रति, हरियाणा के किसानों के प्रति, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, हम वो सारे प्रोसेस जो भी लीगली होंगे वो हम सब करेंगे। चलिए, सभी का शुक्रिया, वक्त आप लोगों ने दिया, चर्चा में आप लोग जुड़े, तो हमने इस्राइल को लेकर हमने बात की है, इस्राइल को लेकर आज फिर से बैठक हुई, बात नहीं बनी।
साफ तौर पर कह दिया गया पंजाब के सीएम की ओर से कि अतिरिक्त पानी है कि नहीं तो नहर निर्माण कैसे होगा। हालांकि हरियाणा के सीएम की ओर से कहा गया है कि केंद्र को जानकारी देंगे, केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे, क्या कुछ इसराइल को लेकर आगे आने वाले दिनों में होता कि क्या हरियाणा को, हरियाणा के किसानों को हरियाणा के हक का पानी मिलता कि या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।